बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, उनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो पार्ट वन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 इक्वल टू जीरो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो कंपेयरिंग द वैल्यूज, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम इसके साथ कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 13 को, तो हमें मिलता है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4 और सी इज इक्वल टू मिलता है 13। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए है हमारे पास 1 और सी है 13। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 13 हमारे पास है 52। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास हुआ माइनस 36। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इसके बाकी दो पार्ट्स के आपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने। अब क्वेश्चन नंबर टू देखें। क्वेश्चन नंबर टू में है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें कहा गया कि आपने नेचर बतानी है रूट्स की, तो आपने ये बताने हैं कि क्या रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रिपीटेड हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं। इस तरीके से आपने बताने हैं कि क्या है ओरिजिन में। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये क्या नेचर है रूट्स की। तो हमारे पास है इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो वी गेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो वैल्यूज पुट की तो हमारे पास है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 3 और सी है 1। तो ये हो गया 25 माइनस 4 3 जा 12, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमें मिला 13। तो हमारे पास 13 डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि ये ज़ीरो से ग्रेटर है और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स हैं होगी, हमारे पास रियल है और इरेशनल है, और साथ हम लिख सकते हैं एंड अनइक्वल। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बताया कि रूट्स की नेचर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो इसका एक पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट वन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने के की वैल्यू बतानी है, जबकि हमारे पास रूट्स की जो नेचर है उसमें ये है कि हमारे पास ये इक्वल होंगे रूट्स। तो रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। सो हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो, कंपेयरिंग विद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू है 1,
बी इज इक्वल टू है k और c इज इक्वल टू है 9। तो वैल्यूज पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में, सेंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो k का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए वन है और c है 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो k स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल टू ज़ीरो, तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो k हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने बताया कि अगर k की वैल्यू 6 होती है, प्लस या माइनस दोनों में से एक हो, तो हमारे पास रूट्स इसके होंगे इक्वल। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमिन द वीदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। तो हमें बताया गया कि आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, यानी नेचर आपने चेक करनी है। अगर रियल हैं, इफ सो देन फाइंड द रूट्स, तो फिर आपने इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स हम उसी तीन तरीकों से फाइंड करेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे। तो सबसे पहले हम इसकी नेचर फाइंड करते हैं रूट्स की। तो सेंस ऐसे हमारे पास है हेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है 5 और c इज इक्वल टू है 5। तो हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज तो हमें मिलेगा 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। तो यहाँ से हमें मिला 25 माइनस 4 5 ज़ा 20 विच इज़ इक्वल टू है 5। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है 5। तो हमारे पास रूट्स आर रियल, रियल भी हैं और अनइक्वल हैं, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया एंड अनइक्वल। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम इसे कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू है माइनस एन टू 5 और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है, डायरेक्ट पुट करते हैं तो 5 स्क्वायर रूट में और डिवाइड बाई 2, a हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास है माइनस 5 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो हैं माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर हमने इनकी नेचर बतानी है, क्या रूट्स किस तरीके से हैं, और फिर वेरीफाई करना है रिजल्ट सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम कहते हैं हेयर वी हैव इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं, तो हमें a, b और c मिल जाएगा। a इज इक्वल टू हमारे पास है 3, b इज इक्वल टू है माइनस 10 और c इज इक्वल टू है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है सेंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट की माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3। तो आ गया 100 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमें मिला 64, जब जैसे हम 8 का स्क्वायर ले सकते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू है
एक रियल होंगे प्लस रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास चूंकि इक्वेशन है फॉर रूट्स वैल्यू हमारे पास है 3x² - 10x + 3 = 0। हम इसे कम्पलीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से। तो हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x² - 9x - x + 3 = 0। तो 3x कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया, और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x - 1 = 0 एंड 2x - 3 इक्वल टू 0। तो हम अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे, तो 3x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ से 3x = 1 और x = 3 मिला। तो यहाँ से हमें मिला x = 1/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया 3 और 4। तो हमारे आंसर देखें आप, तो एक रियल भी हैं और रैशनल भी हैं और अनइक्वल हैं। तो हमने वेरीफाई किया, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट से हमने नेचर जो प्रिडिक्ट की थी वो ठीक साबित हुई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर, पार्ट 1 है रियल और पार्ट बी है इमेजिनरी। तो पहला इसका क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 3x + k = 0। तो हमने सॉल्यूशन में ये बताना है कि k की वैल्यू क्या हो। तो हमारे पास ये इसके रूट्स रियल होंगे, फिर ये बताना है कि k की वैल्यू क्या हो, तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो फॉर रियल के लिए चूंकि हमारे पास शर्त ये होती है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एंड हेयर वी हैव, यहाँ पर हमारे पास है हेयर 2x² + 3x + k = 0। सो a = हमारे पास 2 है, b = 3 है और c = हमारे पास k। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3² - 4 × 2 × k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 - 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8k। तो 9/8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो k की वैल्यू ये हो हमारे पास, से रीअरेंज करके लिखें या मतलब लिख सकते हैं k इज हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो जब आपके पास k लेस देन और इक्वल टू 9/8 हो तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे। अब फॉर इमेजिनरी हमारे पास इमेजिनरी के लिए शर्त ये है कि b² - 4ac हमारे पास हो लेस देन 0, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आए वो माइनस में आए, 0 से छोटी हो। तो इस सूरत में हमारे पास वैल्यूज आप पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3² - 4 × 2 × k इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास 9 - 8k इज लेस देन 0। तो 9 इज लेस देन 8k, 9/8 इज लेस देन k। इसे अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 9/8। तो ये हमारा आंसर है कि जब आपके पास k 9/8 से बड़ा हो तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट्स आपने सोल्व करने हैं। तो आपने बताना है कि k की क्या वैल्यू, तो हमारे पास रूट्स रियल और इमेजिनरी आएंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 में किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।